चलिए आप भी चलिए। क्यों इनको ले चलो। अरे हमने क्या किया जबरदस्ती, हमें क्यों नहीं? मेरे जाने से क्या मतलब है आपका? आप मुझे कैसे ले जा रही हैं भाई? आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं भाई? हम बहुत शांति से रहते हैं। जिन्होंने पत्थर चलाया उनको नहीं पकड़ पाई, उनको तो तुम पकड़ नहीं पाई। हमारे साथ थे ना वो गुंडे? क्या पता हमारे साथ तो थे ना? गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। पहली बार जब हमें इस रात की जानकारी मिली कि सदर जाफर जी इस आंदोलन में गिरफ्तार हो गई हैं, तो हम लोगों ने एसएसपी लखनऊ को फ़ोन किया। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, हम लोग विश्वासखंड थाने पहुंचते हैं, वहां पर भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर हम गोमती नगर थाने पहुंचते हैं, वहां पर भी जानकारी नहीं मिलती। इंस्पेक्टर हजरतगंज को हम फ़ोन करते हैं, वहां पहुंचते हैं तो सदर जाफर जी को छिपा दिया जाता है और हमसे मिलने नहीं दिया जाता है, हमारी मुलाकात नहीं होती है। फिर अब दूसरे दिन भी कोशिश होती है और उनकी सिस्टर से उनकी मुलाकात होती है। जब उनकी सिस्टर नाहिद जी से उनकी मुलाकात होती है, वहाँ पर देखा कि उनके सदर जी ने बताया कि मेल पुलिस ऑफिसरों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की है, उनके सर के बाल नोचे हैं, चेहरे पे मारा है, सीने पे मारा है, हाथ पे डंडे मारे हैं, पीठ पे मारा, और ये निशान उनकी सिस्टर नाहिद जी ने देखा। उसके बाद जब हम जेल पहुंचते हैं और जेल में हमारी जो है सदर जाफर जी से मुलाकात होती है, तो सदर जाफर जी ने आप वो सारी चीज़ें हमें दिखाई और हम उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, कंधे पे चोट के निशान थे, हाथ पे चोट के निशान थे, और उनके चेहरे से या इस साइड से ब्लीडिंग हो रही थी। हम लोगों ने जेल के जिला अधीक्षक से कहा, जिला अधीक्षक ने उन्हें जेल के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब उनकी दवा चल रही है, कोई मेडिकल नहीं हुआ, बगैर मेडिकल कराए उनका रिमांड करा दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया। ठीक है, सदर जाफर जी जिनका नाम जो है हजरतगंज में 19 तारीख को इनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करी थी पुलिस ने, पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया था, जिसमें इनका 34वें नंबर पर नाम था, जिसमें हम लोग ने पहले हम लोग आज लोअर कोर्ट में हमने इनकी बेल एप्लीकेशन मूव करी, तो जिसमें हमें फिर सेशन जाना पड़ा। सेशन से कोर्ट ने रिकॉर्ड समन करने वो काउंटर मंगाया है और बस कल की डेट लगाई है। ये जब हम लोग वहाँ पे इनके परिजन मिलने गए जेल में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया, और वापस जब मेडिकल के बाद जब इनको ले जाया गया वहाँ पर, तो वहाँ पे भी पुलिस ने जो है इनको मारा पीटा, गाली गलौज करी, और अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया गया इनके साथ।